हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूं। आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। ओके, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो पबजी मोबाइल सुपर लीग से रिलेटेड है। पबजी मोबाइल ने ऑफिशियली अब अनाउंस किया था कुछ दिनों पहले एक पोस्ट लगाकर, जिसमें उन्होंने बताया कि पीएमपीएल सी चैंपियनशिप जो थी वो अब रिप्लेस की जा रही है पबजी मोबाइल सुपर लीग से। पबजी मोबाइल सुपर लीग में वही सीट होगा जो आईपीएल और पीएसएल वगैरह में होता है। मींस की अलग अलग फ्रेंचाइजीज होंगी और वो अलग अलग टीम्स को और अलग अलग प्लेयर्स को बाय करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि पबजी मोबाइल सुपर लीग की जो तैयारी है वो जनवरी 2022 से चल रही थी, लेकिन उसे अभी जाके इंप्लीमेंट किया गया ग्लोबल रीजन में। और यार मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि पहली फ्रेंचाइज लीग नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी पीएमजीएल और इसी के साथ साथ पीएल वगैरह होते रहे, लेकिन यार वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन के होते थे। लेकिन जो पबजी मोबाइल सुपर लीग है वो ग्लोबली इंप्लीमेंट होगी, इसी वजह से इसको काफी ज्यादा वैल्यू वगैरह भी दी जा रही है। और यार इसी के साथ साथ अगर आपको फ्रेंचाइज की वैल्यू बताओ तो एक फ्रेंचाइज की जो मनी वैल्यू होगी वो $500,000 होगी। यार इसमें जो टीम्स है वो अलग अलग पीएमपीएल इंडोनेशियन टीम्स जो होंगी उसमें से शामिल की जाएगी इस सीजन, जिसमें फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड वगैरह शामिल है। लेकिन इन फ्यूचर ये जो लीग है हमें ग्लोबली इंप्लीमेंट होते हुए भी दिखाई देगी। इसके अलावा अभी भी काफी ज्यादा इसी के रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन वगैरह आना बाकी है, तो जैसे कोई मजीद इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है तो मैं आप लोगों को अपनी अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। हमारी जो अगली न्यूज है वो 52 ईस्पोर्ट्स और टीन वुल्फ गेमिंग के दरमियान जो सारा सीन वगैरह चल रहा है उसके रिलेटेड है। शुरू से आप लोगों को अभी तक तो सारा सीन वगैरह पता चल गया होगा, लेकिन नहीं पता जिनको तो मैं इनको थोड़ा समझा देता हूँ। सीन ये कोड ईस्पोर्ट्स का जो बर्थडे बेश का इवेंट चल रहा था कुछ दिनों पहले, उसमें 52 ईस्पोर्ट्स के एक प्लेयर ने टीम बबलू के प्लेयर को पैन किया था, और उसके बाद ये सारा सीन वगैरह जो है 52 ईस्पोर्ट्स और टीन वुल्फ गेमिंग के दरमियान स्टार्ट हुआ। तो टीन वुल्फ ने रिसेंटली अपनी लाइव स्ट्रीम में बात करते हुए बताया कि 52 ईस्पोर्ट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, और वो हमारे साथ जो बिला वजह ड्रॉप क्लेशेस वगैरह ले रहे हैं उनको नहीं लेने चाहिए। और इसी सारे सीन के रिलेटेड फनवीत ईस्पोर्ट्स ने एक वीडियो अपलोड की हुई, अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूंगा इसी सारे सीन के रिलेटेड रिप्लाई देते हुए जेब लाला जो के मैनेजर ने 52 ईस्पोर्ट्स के, उन्होंने रिप्लाई दिया है टीन वुल्फ को। तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूंगा मैं किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सीज वगैरह को पसंद नहीं करता, और खास करके जो मेरी टीम के आसपास हो। ये सिर्फ इसी दफा है कि मैं किसी सीन वगैरह के रिलेटेड रिप्लाई दे रहा हूं, और अगर इसके बाद किसी को भी प्रॉब्लम वगैरह हुई तो मैं कोई इसको रिप्लाई नहीं दूंगा और ना ही के मेरी टीम। तो उन्होंने टीन वुल्फ की ड्रॉप क्लेश वाली बात का रिप्लाई देते हुए लिखा, हम कोई ड्रॉप क्लेश नहीं दे रहे, ये हमारे ही ड्रॉप है जहां हम उतर रहे हैं। अगर आप में से किसी ने कॉम्पिटिटिव को रियली फॉलो किया है तो आप लोगों को पता होगा कि आपने हजार दफा पहले भी यह ड्रॉप क्लेश देखा है, जो कि टीम एसके के नाम से था। टीम एसके जो है वो नॉर्थ सिटी में बबलू के साथ उतरती थी, और जो टीम एसके की लाइनअप है वही 52 ईस्पोर्ट्स के अंडर आजकल खेल रही है। पॉइंट नोट किया जाए, हम ड्रॉप क्लेश नहीं ले रहे, यही हमारा ड्रॉप है जो पिछले दो साल से हम उतर रहे हैं, और हमने एक दफा भी नहीं कहा कि ड्रॉप क्लेश की वजह से हमारी जो गेम है वो खराब हो रही है, और हम दूसरी तरफ की टीम से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ सीनियर्स की रिस्पेक्ट वाली बात के ऊपर रिप्लाई देते हुए जैब लाला ने लिखा, मैं एग्री करता हूं कि हर टीम को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन ये रिस्पेक्ट उस वक्त आती जब जिबिया ने जो है वो एसके छोटू को फिस्ट किया था। और इसी के साथ साथ मजीद उन्होंने लिखा, मैं मानता हूं कि किसी दूसरी टीम के बंदे को पैन करना डिसरिस्पेक्ट है, और यही मैसेज मैंने अपनी टीम को भी कन्वे किया, और मैं ऑपोजिट टीम को भी ये बताना चाहता हूं कि उनको चाहिए कि ऑडियंस को ये चीज लाजमी बताएं कि उन्होंने भी पहले जो है वो फिस्ट वगैरह कर चुके हैं पास्ट में। ओपोनेंट टीम आईजन मतलब कि टीन वुल्फ को रेफर करते हुए वो कह रहे हैं, ऑलवेज रेफर माय बॉयज बच्चे। जेब लाला का कहने का मतलब है कि टीन वुल्फ जो है वो हमेशा जो 52 ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं उनको बच्चे बच्चे कहते आ रहे हैं, जो सिर्फ बच्चे के शो ऑफ कर रहे हैं और सिर्फ चीफ फेम लेना चाह रहे हैं। मैं खुद भी उनको अप्रिशिएट करूंगा अगर वो हमारी भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दें। और इसी के साथ साथ वो लिखते हैं कि 52 ईस्पोर्ट्स के प्लेयर जो है वो भी उतने टाइम से खेले जितने टाइम से टीम बबलू, तो उन्हें भी इज्जत के साथ पेश आया जाए। इसी के साथ साथ 52 ईस्पोर्ट्स की तरफ से सारा सीन एंड करते हुए जेब लाला ने लिखा, लास्टली वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व अवरसेल्व्स इन फर्दर कंट्रोवर्सीज, आई वुड बी रियली हैप्पी इफ कम्युनिटी न्यूज़ चैनल डोंट रिपोर्ट दिस एज अ कंट्रोवर्सी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लेरिफाई माय टीम, नॉट दैट आई नीड टू डू सो, बट बिकॉज़ आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू सेटल सम इश्यूज बिफोर द बिकम सीरियस थिंग, नो हेट टू एनी टीम फ्रॉम अवर साइड। 52 ईस्पोर्ट्स की तरफ से तो सारा सीन एंड हो चुका है, अगर देखते हैं कि टीन वुल्फ इसके रिलेटेड मजीद कोई रिप्लाई वगैरह देते या नहीं। अगर इस सारे सीन के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो टीम यूनिकॉर्न ऑफ लव से रिलेटेड है। टीम यूनिकॉर्न ऑफ लव ने उनके पबजी मोबाइल का जो रोस्टर था उसके साथ जो सारा सीन वगैरह था वो एंड कर दिया है। पबजी मोबाइल के रोस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हम वो ऑर्गन जो काफी अरसे से वेस्टर्न यूरोप ऑर्गेनाइजेशन बन के इस रीजन में रहे, इस पूरे अरसे में जो फैंस है वो हमारे साथ स्ट्रिक रहे, इसीलिए हम अनाउंस करना चाहते हैं कि स्क्रीम्स और इवेंट्स वाला जो सीन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कम्युनिटी को मजीद आगे लेके जाएगा। और पिछले 3 सालों से हम जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो इंटरनेशनल पबजी मोबाइल प्लेयर्स पे कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो हमें प्रॉपर जर्मन लाइनअप बना रही है। इसका मतलब ऑफ कोर्स यही होता है कि जो इनका रीसेंट रोस्टर है वो अब खत्म हो रहा है। और इसी के साथ मजीद भी कुछ बातें उन्होंने लिखी थी जो कि आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यूओएल का ये लाइनअप तो खत्म हो चुका है, बका इसी के साथ साथ रोलकीज ने भी इसी सारे सीन के रिलेटेड एक स्टोरी लगाते हुए लिखा, वी हैव पार्टेड अवर वेज विद यूनिकॉर्न ऑफ लव ऑर्गेनाइजेशन, वुड लाइक टू थैंक देम फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव गिवन टू अस, एंड वी विश ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू देम, वी आर स्टिल अ टीम एंड वी विल बी लुकिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पीएमपीएल स्लॉट इन एनी रीजन, आवर टीम हैज अ लॉट ऑफ गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर, वी
वी बिलीव दैट वी कैन बी द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आउट देयर आई विल टेल ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ वी आर स्टिल ट्रेनिंग एंड इंप्रूविंग टू ऑल द फैन दैट आर सपोर्टिंग अस नो मैटर व्हाट वी अप्रिशिएट यू गाइस यार इसी के साथ साथ रोलकीज की स्टोरी को सारे जो यूएल के प्लेयर थे उन्होंने रीशेयर भी किया था और देखते हैं अब क्रिप्टो रोलकीज का जो रजिस्टर है इसको कौन सी ऑर्ग जो है वो स्पॉन्सर करते हुए हमें दिखाई देती है अगर कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक लीक देते हुए बताया था कि हो सकता है कि डीडीडी जो ट्रिपल डी स्पोर्ट्स है वो टीम यूनिकॉर्न ऑफ लव के इस रोस्टर को स्पॉन्सर कर सकती है तो देखते हैं कि उसके रिलेटेड भी क्या मजीद डिटेल्स वगैरह निकल के सामने आती है और बकाया अगर क्रिप्टो के रिलेटेड बात करें तो यार काफी ज्यादा रूमर्स वगैरह आ रहे हैं कि क्रिप्टो जो है वो अब यूएल का जो पुराना लाइनअप था रोस्टर था वो छोड़ देंगे और अब वो हमें दोबारा पाकिस्तान रिजर्व में आते हुए दिखाई देगी और टीम क्वालिटी के साथ खेलते हुए भी दिखाई देंगे यार ये रूमर्स पहले से कम नहीं थे लेकिन क्रिप्टो ने इसमें मजीद इजाफा कर दिया है और उन्होंने खान और वॉर्ड्रेक के साथ एक पिक्चर शेयर करते हुए कुछ ऐसा इमोजी भी लगाया है इससे अब लोगों को काफी ज्यादा ये लगने लग गया कि क्रिप्टो जो है वो 100% जो है वो क्वालिटी ज्वाइन करने वाले हैं लेकिन कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं है तो देखते हैं कि इसके रिलेटेड भी क्या बसी डिटेल्स वगैरह निकल के सामने आती है आप लोगों का क्या ओपिनियन है सारे सीट के ऊपर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़